हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए न्यू टिप्स लेके हम आ गए। ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमने कौन कौन से टिप्स शेयर किया है, ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले। छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं इन टिप्स से हमारा काम जो है तो आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स इस प्रकार, जो डिब्बे मिलते हैं हम जैसे पाउडर वगैरह जो लिक्विड में लाते हैं, जेल वगैरह ईजी वगैरह, तो वो जो ख़त्म हो जाते हैं इन डिब्बों को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा टिप्स बताने वाले हैं कि इसका आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसका जो रैपर है, तो सबसे पहले रैपर यानी फेंक देते हैं, नहीं इसका रैपर जो है तो निकाल देते हैं। तो इसे थोड़ा सा अलग अच्छा दिखेगा, इसका रैपर निकाल देंगे तो एकदम से प्लेन सिंपल दिखेगा इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं वीडियो में इसका रैपर निकाल दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले आप अच्छे से, जब आपके ये यानी ईजी ख़त्म हो जाए ना, तब फिर आप इसको अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और पानी में यानी पानी से अच्छे साफ पानी से साफ़ कर लीजिए। फिर इसको धूप में रख दीजिए तो इसमें जो पानी वगैरह था अच्छे से सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो फिर आप इसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसको क्या करना है, चक्कू को थोड़ा सा हम गर्म करें हैं तो जिससे इसको काटने में आसानी हो। यानी थोड़ा सा हार्ड होता है इसका जो प्लास्टिक होता है इस कंटेनर के यानी डिब्बे का, तो बहुत अच्छा होता है। तो इसके क्या रहता है कि आसानी से कटता नहीं, तो इसको चक्कू को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इस प्रकार से इसमें होल करेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से होल कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा हम यानी बच्चों के लिए बन के तैयार हो चुका है। बच्चे क्या करते हैं कि गुल्लक मांगते हैं बहुत, यानी डिमांड करते हैं बच्चों को कुछ, जैसे पैसा मिलता रहता है जब गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो बच्चे इधर उधर रख देते हैं। बच्चों को इसमें रखने के लिए भी बोलेंगे और जैसे पैसे इधर रख देते हैं उधर रख देते हैं, फिर उनको पैसे सेविंग का पता नहीं होता। तो आप इस प्रकार से बच्चों को पैसे यानी सेविंग भी बता सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आप इसमें डाल दीजिए और इसका जो कैप है तो इसको खोल के इसको निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गुल्लक इसको बना सकते हैं। तो कैसा लगा टिप्स ज़रूर बताइए। इसके पहले अगर आप बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इसी से संबंधित है, जैसे कि हम कुछ भी लाते हैं जैसे कॉफ़ी हो गया और जैसे चॉकलेट सिरप इसमें आया था, तो चॉकलेट इसमें कांच का जो है एक ग्लास है, तो इसको क्या मार्केट में लेने जाओ इतना बड़ा, तो काफ़ी यानी महंगा मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे कॉफ़ी वगैरह लाते हैं तो ये कंटेनर जो होते हैं तो रहते हैं, तो खाली जब हो जाते हैं तो इनको फेंक देते हैं। तो इनको फेंक ना करके आप बहुत अच्छा इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या करिए कि इसको गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी में थोड़ी देर तक इसको डाल देंगे तो जो इसमें यानी रैपर चिपका हुआ है ना, तो ये आसानी से निकालने में इसको आपको यानी आसानी होगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा आप यानी रब कर देंगे ना तो आसानी से ये निकल जाएगा इस पर। और ये अच्छे से साफ़ करके इसमें आप कुछ भी, जैसे आपको कुछ भी छोटा मोटा सामान जैसे पाउडर वगैरह रखना है किचन के, जैसे जीरा पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, तो इस प्रकार के कंटेनर में आप किचन में उपयोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया, एकदम से साफ़ हो गया है। और ये गर्म पानी से, इसमें सिर्फ गर्म पानी ही डाले हैं अभी, यानी जेल वगैरह इसमें कुछ नहीं डाले हैं बर्तन धोने वाला। तो इससे बर्तन धोने के वाले जो जेल होता है इसको अच्छे से उससे साफ कर लीजिए, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी। अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि चक्कू वगैरह से रहता, चक्कू तो हम यूज करते रहते हैं लेकिन इनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि इसी से हम सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं। तो इसकी क्या रही, क्या करिए कि हफ्ते में वीक में इसको गर्म पानी करिए, गर्म पानी में इसको सब चक्कू वगैरह को अच्छे से डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल जो आता है उसको डाल दीजिए, डिशवाशर इसमें डाल दीजिए। और फिर इसमें क्या थोड़ा सा हम यानी टमाटो सॉस बचा था, जैसे बच्चों को दो ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, पूरा बचा देते हैं, तो उस थोड़ा सा वो डालें, इससे भी बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है ये चक्कू वगैरह, जैसे छिलनी चक्कू आप इसको भी क्लीन कर सकते हैं।
तो फिर इसको क्या करना है, आप एक ब्रश ले लीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा सा जेल उसमें डाला ही, पानी में डाल दिए थे, और थोड़ा सा हल्के हाथ से इस प्रकार से इसको साफ़ करिए तो एकदम से क्लीन हो जाएगा और अच्छे से सब यानी ये साफ़ हो जाएगा, चमकने लगेगा। इस प्रकार से आप इसको चक्कू और छिलनी जैसे हो गया और इनको साफ़ कर सकते हैं। आप लोग कैसे यानी चक्कू छिलनी को साफ़ करते हैं कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे यानी चक्कू छिलनी को क्लीन करते हैं। तो इसको चलिए फटाफट इसको साफ़ कर लेते हैं, पूरे को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से ये जो है तो क्लीन हो गया है। अब इसको थोड़ा सा पानी में डाल देते हैं जिससे इसे और अच्छे से जो इस अगर कुछ भी इसमें लगा है तो इसमें थोड़ा सा ब्रश और लगा देंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब इसको आप साफ़ पानी में धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए तो आपका ये जो है तो एकदम से देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें शाइनिंग भी आ गई है थोड़े से। यानी आप इसको टाइम निकाल के चक्कू छिलनी को भी क्लीन करके फिर यूज करिए। तो कैसा लगे ये टिप्स ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि ये हमारे कैप ही है, इजी था इजी के जो कैप आते थे वही है। इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच क्या डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं थोड़ा सा यानी आधा चम्मच डाल दिए हैं, मीठा सोडा इसमें डाले हैं, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा टेलकम पाउडर। इससे क्या आपको बहुत अच्छा रूम फ्रेशनर बनके तैयार होता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और थोड़ा सा क्या रहता है किचन वगैरह में थोड़ा नमी रहती है क्योंकि पानी का काम रहता है। इस नमी के कारण जैसे थोड़ा सा अजीब सी स्मेल आती है, तो इसको क्या करिए कि आप किचन में रख दीजिए, तो जो भी किचन की नमी वगैरह है और किसी प्रकार की स्मेल है तो इसको रख देंगे तो नहीं आएगी। लोग किचन में बरसात के मौसम में किचन में क्या रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई अच्छे से टिप्स है तो कमेंट करिएगा, जिससे हमको भी पता चल सके कि आप लोग भी यानी किचन में क्या रखते हैं फ्रेशनेस के लिए। तो इसके देखिए किचन में रख दिए हैं, और चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि छोटे छोटे जो पाउच रहते हैं हमारे किचन के, तो इधर उधर रख देते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ध्यान में नहीं रहता कहाँ रख दिए हैं। तो इसके लिए क्या करिए कि आप इन पाउचों को इकट्ठा कर लीजिए और किसी कंटेनर में आप इकट्ठा करके रख लीजिए। तो इस प्रकार के कंटेनर जैसे कि आइसक्रीम वगैरह ले आओ तो उसमें मिल ही जाते, तो इन कंटेनरों को आप रख लीजिए और इनमें छोटे छोटे जो पाउच वगैरह आप किचन में रखते हैं तो इसमें रख दीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इकट्ठा मिल जाएगा, ज़्यादा आपको ढूंढने की यानी परेशानी ना होगी। तो इस प्रकार से आप ही यानी रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए अगली टिप्स में फिर मिलते हैं, कोई अच्छी सी टिप्स लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।